हेलो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ओके इसमें हम कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन ठीक है जब भी कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा देन दे हैव टू डू द इलेक्शन कैंपेन अपना प्रचार प्रसार तो करना पड़ेगा ना लोगों को तभी तो पता चलेगा कि कौन व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हुआ है और किस व्यक्ति को दे हैव टू कास्ट द वोट ठीक है तो इसके लिए इलेक्शन कैंपेन होता है अब हमने कुछ स्लोगन्स भी देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट गिवन बाय द डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द इलेक्शन चाहे लोकसभा इलेक्शन हो या कोई दूसरे इलेक्शन हो उस समय अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कैंपेनिंग में अपने कुछ स्पेशल स्लोगन्स भी देती हैं टू अट्रैक्ट द वोटर्स ज्यादा से ज्यादा वोटर्स उन्हें अट्रैक्ट करें उस स्लोगन की वजह से उनकी तरफ एंड दे कास्ट वोट टू ठीक है बट इन इलेक्शन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान द पॉलिटिकल पार्टीज हैज बी फॉलो फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द इलेक्शन कमीशन ठीक है ये रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं? आज हम इनको डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले लिखिए लिखते लिखते मैं आपको एक्सप्लेन भी करवाती करती जाती हूँ लिखिए एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कंपीट अकॉर्डिंग टू आर इलेक्शन लॉ नो पार्टी एंड कैंडिडेट कैन नो पार्टी कोई भी पार्टी नहीं कर सकती नो पार्टी और कैंडिडेट कैन फर्स्ट इसमें लिखिए ब्राइड फर्स्ट पॉइंट ब्राइव और थ्रेटन वोटर्स ठीक है ब्राइव मीन्स रिश्वत देना थ्रेटन धमकी देना ठीक है ना तो वो किसी को किसी भी तरह की ब्राइब दे सकता है ना ही किसी तरह की धमकी दे सकता है कई बार होता ना कि आप अगर मुझे वोट डालोगे तो हम आपको पैसे देंगे मकान देंगे है ना कुछ भी तरह की ब्राइब किसी भी तरह की चीजों को देने का प्रॉमिस करना दैट इज ब्राइब है ना तो दैट इज इलीगल इट्स नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉ और थ्रेटनिंग अगर मुझे वोट नहीं दोगे जान से मार दूंगा है ना आपका घर तोड़ दूंगा लड़ाई झगड़ा कर लूंगा ये सब कर लूंगा दैट इज ऑल्सो थ्रेटनिंग है ना धमकी हो गई है दैट इज नॉट अलाउड किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की ब्राइड और थ्रेटनिंग नहीं दी जा सकती ठीक है नेक्स्ट लिखिए अपील टू दैम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन कास्ट और रिलीजन को इलेक्शन में यूज नहीं करना है ठीक है तो मोर हम तो सेम कास्ट के हैं तो आप तो मुझे ही वोट दो या इस रिलीजन हम हम इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं सभी तो ऑल ऑफ यू हैव टू कास्ट टू वोट कास्ट द वोट टू मी तो कोई भी व्यक्ति कास्ट या रिलीजन के नाम पर वोट नहीं मांग सकता दैट इज इलीगल ठीक है नेक्स्ट लिखिए यूज गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कंपेनिंग यूज गवर्नमेंट रिसोर्स ये गवर्नमेंट रिसोर्स क्या होते हैं यूज गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग आप पूरा सेंटेंस लिखिए जो मैं बोल रही हूँ ठीक है आधा अधूरा मत लिखिए मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए हाफ लिख रही हूँ गवर्नमेंट रिसोर्सिस क्या होते हैं गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी आइदर इट इज द व्हीकल ऑफ गवर्नमेंट आइदर इट इज बिल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है कोई भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यानी कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द इलेक्शंस यूज नहीं करनी होती है दैट इज ऑल्सो इीगल नॉट अलाउड ठीक है नेक्स्ट लिखिए इसमें स्पेंड मोर देन ट्वेंटी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन एंड टेन लैख इन अ अंस्टिट्यूएंसी इन द असेंबली इलेक्शन ये थोड़ा सा चेंज हो गया है ट्वेंटी फाइव लैख की जगह ये फोर्टी लैख हो गया है इन द लोकसभा इलेक्शन एंड विधानसभा इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन में 10 की जगह ट्वेंटी फाइव हो गया है है ना लिख लीजिए स्पेंड मोर देन रुपीजी लैक इन अ फॉर लोकसभा इलेक्शन और रुपीज ट्वेंटी फाइव लैक इन अंस्टिट्युए इन एन असेंबली इलेक्शन ठीक है इन अमाउंट को रुपीज फोर्टी लैक लोकसभा इलेक्शन में नॉट मोर देन दैट ठीक है ये लास्ट लिमिट है इससे ज्यादा नहीं करना है ना एंड ट्वेंटी फाइव लैक किसमें इन द असेंबली इलेक्शन असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा इलेक्शन है ना इसमें खर्च करना नॉट मोर देन दैट इससे ज्यादा पैसे खर्च करना भी अलाउड नहीं है दो वी ऑल नो कि काफी पैसा खर्च होता है बट दैट इज द लिमिट ठीक है इसके अलावा ये तो कुछ फोर पॉइंट हैं जिसके हिसाब से इलेक्शन उन्हें कॉन्टेस्ट करना होता है दे कैन नॉट यूज दीज थिंग्स है ना ब्राइट थ्रेडनिंग नहीं दे सकते कास्ट रिलीजन इनको वो इलेक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते गवर्नमेंट रिसोर्सिस को यूज नहीं कर सकते प्लस मोर देन दिस मनी ऑल्सो दे कैन नॉट यूज ड्यूरिंग द इलेक्शन इससे ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना है ठीक है इसके अलावा कुछ और कोड ऑफ कंडक्ट भी है विच ईच एंड एवरी पार्टी हैज टू फॉलो ड्यूरिंग द इलेक्शन क्या है ये इसके बारे में लिख लेते हैं अच्छा अगर मान लीजिए वो ये सब कर ले तो ब्राइड दे थ्रेटनिंग दे रिलीजन के नाम पर इलेक्शन करे गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज करे मोर देन दिस मनी यूज करे तो गेंट क्या कर सकती है वो उन इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर करके कैंसिल भी कर सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये राइट right है कि अगर उसे लगता है कोई भी अनफेयर मीन यूज किया जा रहा है रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं बाय एनी ऑफ द कैंडिडेट तो अगर वो इलेक्शन जीत जाता है और इस तरह की कोई रिपोर्ट होती है तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे तो इलेक्शंस को कैंसिल कर सकते हैं और वहां पर दोबारा से रीपोलिंग दोबारा से इलेक्शन या दोबारा से वोटिंग करवाई जा सकती है ठीक है वो ऑर्डर्स कर सकते हैं कि इस एरिया में दोबारा से रीपोलिंग होगी ड्यू टू सम इलीगल इश्यूज। ठीक है फिर कोड ऑफ कंडक्ट है लिखिए इन एडिशन टू द लॉस

इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए वर्शिप की प्लेस टेम्पल है या मॉस्क्यू है है ना गुरुद्वारा है चर्च है ऐसी जगह जहां पर पूजा पाठ किया जाता है वर्शिप प्लेसेस को इलेक्शन प्रोपोगंडा के लिए यूज नहीं कर सकता नेक्स्ट लिखिए यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन ठीक है गवर्नमेंट के व्हीकल्स वही आगे गवर्नमेंट रिसो चाहे वो गवर्नमेंट के व्हीकल्स हो गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट हो या गवर्नमेंट हो है ना, है ना ना ऑफिसर्स तो गवर्नमेंट दे वर नॉट ऑल्सो अलाउड टू यूज ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेनिंग ठीक है नेक्स्ट लिखिए इसमें वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिस टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज समझ में आया एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए तो कोई भी मिनिस्टर ऑलरेडी अभी पावर में है एमएलए या एमपी है अभी पावर में हैं तो वो कोई भी मिनिस्टर अब नया काम शुरू नहीं कर सकते इलेक्शन होने वाले हैं गवर्नमेंट चेंज होने वाली है तो अब आप कैसे नया काम शुरू करो सकते कैन नॉट ले फाउंडेशन ऑफ एनी बिग प्रोजेक्ट कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकते कोई भी प्रॉमिसिस लोगों से नहीं कर सकते ऑन द बिहाफ ऑफ देयर प्रेजेंट पोस्ट कि मैं मिनिस्टर हूं मैं ये सब कर दूंगा वो नहीं कर सकते ठीक है अब तो इलेक्शन के बाद ही होगा जो होगा अब कोई भी बड़ा काम बड़ा प्रॉमिस नहीं किया जा सकता ठीक है दीज आर द फ्यू कोड्स ऑफ कंडक्ट विच इज फॉलो बाय ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी ठीक है ड्यूरिंग द इलेक्शन है ना अभी ध्यान रखना नो पार्टी नो पहले ही दे रखा है नो पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट कैन कोई भी नहीं कर सकता है इन चीजों को जो लिखी हुई है ठीक है चलिए एक बार आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए अब इलेक्शन हो गए कैंपेनिंग हो गई इलेक्शन कैंपेनिंग इलेक्शन कैंपेनिंग के बाद क्या होगा अब अब होगा वोटिंग वोट कास्ट करेंगे लोग है ना यही होगा अब तो तो अब पोलिंग डे क्या कहेंगे हम वोट कास्ट करने वाले डे को पोलिंग डे कहेंगे पोलिंग डे होगा और पोलिंग डे के बाद एक डे डिसाइड कर लिया जाएगा दैट इज काउंटिंग डे उस दिन काउंटिंग होगी सभी वोट्स की पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट है ना यही होगा इलेक्शन कैंपेनिंग होने के बाद पोलिंग होगी और उसकी काउंटिंग होगी है ना पोलिंग डे मींस ऑन द डे व्हेन यू कास्ट योर वोट एंड काउंटिंग जब सभी वोट्स की गिनती शुरू हो जाएगी किसको कितने वोट मिले कौन जीता और कौन हारा आजकल टीवी पर लाइव आता है है ना इलेक्शन की काउंटिंग के बारे में देखते हो आप तो क्या देखोगे आपके घर में आपके पापा हैं दादाजी हैं है ना चाचा हैं ताऊ हैं ये लोग बैठकर जरूर देखते होंगे बहुत इंटरेस्ट आता है कई बार बहुत अच्छी इसमें डिबेट भी हो जाती है आपस में घर के लोगों के अंदर ही ये जीतेगा ये हारेगा करके है ना कि अभी देखो अभी तो चेंज होगा अभी देखो अभी तो चेंज होगा कौन जीतता है कौन हारता है है ना तो आजकल टीवी पर लाइव आता है तो ये जो है पोलिंग के बाद फिक्स डे पर इन सभी वोट्स को अलग अलग पोलिंग सेंटर से ला के एक जगह पर कलेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर इनकी काउंटिंग होती है पोलिंग डे पर एक फिक्स सेंटर होता है जहां आपको जाना होता है आप बाकायदा अपना नाम और अपना वोटर आईडी कार्ड बताओगे लिस्ट होती है उनके पास सभी वोटर्स की है ना वोटर्स लिस्ट बन जाती है पहले से ही तो एक पर्टिकुलर नंबर होता है उस नंबर पर आपका नाम लिखा है पहले ही इलेक्शन से पहले ही आपको किसी ना किसी पार्टी के मेंबर्स आकर के वो आपका इलेक्शन का टिकट यानी वो नंबर वगैरह प्रोवाइड करवा जाते हैं ठीक है थीके? जैसे ही आप दिखाओगे वो फट से आपका नाम ढूंढेंगे उस पर टिक करेंगे नेक्स्ट काउंटर पे जाओगे वो आपकी फिंगर में इंक लगाएंगे आपसे सिग्नेचर करवाएंगे फिर आपको एक बैलेट के पास भेज दिया जाएगा एक टेबल होती है है ना? शायद आपने तो अभी देखा ही नहीं होगा कभी वोटिंग की ही नहीं तो आप कहाँ से देखोगे अभी आप छोटे हो है ना हो सकता है अगली बार इलेक्शन में आप देख लो इन चीजों को ठीक है तो क्या होता है टेबल लगी हुई होती है टेबल को चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है कोई भी एक गत्ते का कार्टून वगैरह होता है उसको ऐसे खड़ा उसके चारों तरफ लगा दिया जाता है अब आप जाते हो आपको उस साइड कोई भी नहीं देख रहा है ना पूरा कवर है टेबल के चारों तरफ से ऐसे सिर्फ आपकी साइड वाला एरिया खुला है पीछे दीवार है अब सामने आजकल ईवीएम मशीन पर वोटिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पहले पेपर पे होती थी वैलेट पेपर होता था ठीक है एक पेपर होता था इस तरीके से ठीक है कैंडिडेट का नाम पार्टी का नाम सिंबल्स और ये एरिया ब्लैंक है ना मान लीजिए यहाँ नाम लिखा है कुछ भी ये नाम है ठीक है ये पार्टी का नाम है और फिर ये उसका सिंबल बना हुआ है और यहाँ पर स्पेस ब्लैंक होता था फिर आपको एक स्टैंप दे दी जाती थी दैट यू हैव टू टेक दैट स्टैंप एंड पुट द इम्प्रेशन ओवर देयर आपको जिसको वोट डालना है उसके आगे आप अपना इम्प्रेशन लगा दोगे यहाँ डालना है यू पुट द इम्प्रेशन इस व्यक्ति को आपका वोट गया गलती से अगर आपने दो जगह कर दिया तो आपका ये वोट काउंट ही नहीं होगा ये वैलेट पेपर की जगह एक रद्दी का पेपर हो गया आप दो जगह स्टैंप नहीं लगा सकते एक जगह आपको स्टैंप लगानी है और आप कहाँ लगा रहे हो किसी को भी नहीं पता फिर इसको फोल्ड करके बॉक्स में डाल दिया जाता है ठीक है अब आ गई है ईवीएम मशीन ईवीएम मशीन में क्या होता है मशीन का प्रोसीजर भी यही है, सेम ठीक है जैसे ही आप उस बैलेट बॉक्स में अंदर जाते हो एक मशीन रखी हुई है नीचे ठीक है उस मशीन पर फिर यहां पर क्या होंगे नाम लिखे हुए हैं कैंडिडेट के बहुत सारे बटन्स हैं कैंडिडेट के नाम है पार्टी का नाम है सिंबल है यहाँ पर ठीक है फिर यहाँ पर एक बटन बना हुआ है इस तरीके से बटन बने हुए होते हैं और यहाँ पर रेड लाइट होती है फिर जैसे ही आप एंटर हुए पास में बैठा हुआ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्विच ऑन कर देता है अब आप जो भी बटन दबाओगे यहाँ एक रेड लाइट जलेगी और बहुत लंबी आवाज आएगी टी करके दैट मीन्स यू कास्ट योर वोट टू दिस कैंडिडेट ठीक है अब आप बोलोगे कि मैडम हम तो तीन चार बार बटन दबा देंगे तीन चार लोगों के नहीं ये ऑटोमेटिक मशीन है एक बार बटन दबाते ही ऑटोमेटिकली अब ये ऑफ हो गई आपने बटन दबाया बटन दबाते ही रेड लाइट जली जो लंबी आवाज आने की वो आवाज आई मीन्स आपका वोट चला गया इस व्यक्ति को जिसके सामने का बटन आपने प्रेस किया था और अब ये मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो गई है स्विच ऑफ हो गई है अब आप कितने भी बटन दबा लो कुछ नहीं होगा ठीक है आप वहां से चले जाओगे अगला कैंडिडेट वापस आपकी जगह पर आएगा तो वहां बैठा एम्प्लॉय वापस उसको ऑन कर देगा जैसे ही उसने ऑन किया अगेन यू कैन प्रेस द बटन अंडरस्टूड ये ईवीएम का है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है ठीक है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है ठीक है तो अब आपने वोट कास्ट कर दिया जितनी भी ईवीएम मशीन है इन सबको सील पैक कर दिया जाता है और जहां पर जो सेंटर फिक्स किया गया है फॉर द काउंटिंग डे उस सेंटर पर ये सभी ईवीएम मशीन पहुंचा दी जाती है ठीक है अलग अलग सेंटर्स पर वोटिंग हुई है तलवंडी के लिए एक अलग एरिया एक अलग सेंटर है वहां हुई है दादाबाड़ी के लिए एक अलग सेंटर है वहां हुई है विज्ञान नगर का सेंटर अलग है वहां हो गई पोलिंग है ना अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह एक सेंटर पॉइंट बना दिया जाता है वहां पर लोग अपना वोट कास्ट करते हैं वोट कास्ट करने के बाद इन ईवीएम मशीन को सील पैक कर दिया जाता है और सील पैक करने के बाद जितने भी सेंटर्स से ऑल ओवर द एरिया सब जगह से इन ईवीएम मशीन को एक पर्टिकुलर प्लेस पर ले जाया जाता है ठीक है और काउंटिंग डे पर जिस जगह पर काउंटिंग होनी है वहां ले जाकर के गवर्नमेंट एम्प्लॉय के थ्रू इसकी काउंटिंग की जाती है काउंटिंग के समय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जो इन वोट्स की काउंटिंग करते हैं ठीक है काउंटिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय करेंगे पर काउंटिंग में कहीं किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन ना हो इसके लिए हर पार्टी में से कुछ कुछ एक एक एक-एक मेंबर्स को वो जहां पर पोलिंग काउंटिंग हो रही है उस एरिया में आने की परमिशन देते हैं एक एक मेंबर्स को ज्यादा को देंगे तो पता चला वहीं लड़ाईया हो गई है ना मेरी पार्टी जीतेगी मेरी पार्टी जीतेगी इसलिए ज्यादा मेंबर्स को परमिशन नहीं देते काउंटिंग सेंटर के बाहर आप खड़े रहो अंदर आने की परमिशन नहीं मिलती है तो वहां पर वो वोट काउंट करते जाते हैं विद लाउडर वॉइस जिससे उन्हें पता चलता रहे कि भाई सही काउंटिंग चल रही है गड़बड़ गड़बड़ नहीं चल रही है तो वो काउंटिंग करते जाते हैं और फाइनली अब आपको हो कि मैडम कभी लगता है कि भाई ये वाली पार्टी जीत रही है थोड़ी देर बाद पार्थ दूसरी पार्टी जीतने लग जाती है भाई एक ईवीएम मशीन में एक पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं वही दूसरी, दूसरी मशीन में किसी और पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं तीसरी मशीन में अब किस पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं उसके हिसाब है से वो पार्टी आगे हो जाएगी नेक्स्ट ईवीएम मशीन में किसको मिलते हैं अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो अलग अलग पार्टी के कहीं पर किसी पार्टी को ज्यादा मिले हैं कहीं किसी और पार्टी को ज्यादा मिले हैं इसके हिसाब से कई बार काउंटिंग में जो पार्टी पहले आगे चल रही होती है अचानक से थोड़ी देर बाद वो पीछे हो जाती है क्योंकि दूसरे एरियाज में उसको कम कम वोट मिल जाते हैं है ना जैसे कोटा बहुत बड़ा एरिया है तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर नॉर्थ ब्लॉक में अलग साउथ में अलग है ना इस हिसाब से कहा पर किसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं डिपेंड्स तो फिर वो कैंडिडेट जीतेगा ठीक है इसके कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं फटाफट से द फाइनल स्टेज हेडिंग लीजिए सबसे पहले तो पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोटर्स वोटिंग वोट लिखिए द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे वेन द वोटर्स कास्ट और पोल देर वोट ठीक है जब वो अपना वोट डाल रहे हैं दैट इज द फाइनल स्टेज आपका काम खत्म वोटर्स का काम खत्म हो गया कैंडिडेट्स का काम भी खत्म हो गया पॉलिटिकल पार्टीज भी शांत हैं। अब तो काउंटिंग डे पर पता चलेगा कि आगे कौन काम करेगा है ना द डे इज यूजली कॉल्ड इलेक्शन डे ठीक है जिस दिन वोट कास्ट किए जाते हैं या पोलिंग किया जाती है इट्स डे को क्या कहते हैं दैट डे इज कॉमनली नोन एज Usually call the election day, theek hai likhiye isme voting ki procedure kya hai Once the voter goes inside the booth, the election official identify her. आपका एक electronic voting identity card भी तो हमने देखा था ना election voting identity card, वो बना हुआ है, तो उससे identify her, put a mark on her finger. एंड अलाउ हर टू कास्ट द वोट ठीक है फिंगर पर मार्क लगाएंगे ठीक है अब यहां पर भी द एजेंट लिखिए इसमें भी एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउ इज अलाउड टू सेट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इन श्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे ठीक है अब वोटिंग के समय भी एक एक मेंबर्स को बिठा दिया अंदर जहां पर वोट डाले जा रहे हैं एक एक एजेंट कैंडिडेट का ज्यादा नहीं क्यों जिससे उन्हें फेथ रहे कि भाई हाँ फेयर काम हो रहा है कहीं ऐसा नहीं किसी के नाम पर पता चले कि वो जो कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं वर्कर्स गवर्नमेंट ऑफिशल्स वही जाके वोट डाल दें किसी पार्टी को ऐसा तो नहीं हो रहा ना कहीं तो वहां पर उनके एक एक, एक एजेंट बैठ करके ये सब वॉच करते रहते हैं कि भाई सही चल रहा है ठीक है बाकायदा वोटर्स आ रहे हैं वोट कास्ट कर रहे हैं ये सब चीजें हो रही हैं प्रॉपरली इस चीज को वो लोग देखते हैं और कुछ नहीं करना होता ये एक उनके सेटिस्फेक्शन के लिए है कि जिससे बाद में उन्हें ये ना लगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए थे क्योंकि इलेक्शन में एक पार्टी हारेगी तभी दूसरी जीतेगी है ना तो अब जो हारेगी उसे लगेगा कि इलेक्शन में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है तो ये गड़बड़ हुई है या नहीं इसको शुरू से ही वॉच करवाना शुरू कर देते हैं कि आप अपने-अपने मेंबर्स -अपने बिठा दो जिससे बाद में हारने के बाद आप इलेक्शन के किसी भी प्रोसेस को ब्लेम ना करो ठीक है नेक्स्ट इसमें लिखिए अ बैलेट पेपर विद द नेम ऑफ

है ना इसमें वोट दिए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट लिखिए इसमें द ईवीएम मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल ठीक है नेम ऑफ द कैंडिडेट होगा पार्टी सिंबल पार्टी सिंबल से पता चल जाएगा आपको कि दिस कैंडिडेट बिलोंग्स टू विच पार्टी वहीं पर अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो उसको अपना खुद का सिंपल नाम के साथ है ना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का तो इस तरीके से इलेक्शन हो गए ठीक है देखिए ऑल द वोटर्स नेक्स्ट इसमें लिख लीजिए ऑल द वोटर्स हैज डू इज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ कैंडिडेट

प्रॉपरली ठीक है यहां पर भी एक एक एजेंट्स बैठे हुए हैं कैंडिडेट के नेक्स्ट लिखिए द कैंडिडेट हुईस्ट नंबर ऑफ वोट फ्रॉम कॉन्स्टिट्युएंसी फ्रॉम अस्टिट्युएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड ठीक है जितनी भी जगह से आए हैं किस कॉन्स्टिट्युएसी से कौन सा वोटर जीता है ये काउंटिंग के बाद डिक्लेयर हो जाता है एंड टू इंश्योर दैट एवरी थिंग इज गोइंग ऑन फ्री एंड फेयर मैनर एक एक एजेंट हर कैंडिडेट का पोलिंग रूम में भी होता है और काउंटिंग रूम में भी होता है जिससे कहीं पर भी कहीं ये लोग कोई ब्लेम ना करें कि भाई तरीका जो था दैट वॉज नॉट फेयर कोई भी अनफेयर मीन्स यूज किया गया है तो द एजेंट्स वर प्रेजेंट ओवर देयर ठीक है अब जो भी व्यक्ति जीतेगा उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा ही बिकम द एमएलए और एमपी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया कौन से इलेक्शन है लोकसभा है तो एमपी और विधानसभा है तो एमएलए बन जाएंगे अपने अपने एरियाज को इस तरीके से जो इलेक्शंस हैं पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस हमने पढ़ लिया है है ना प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूंसीज बन रही है वोटर लिस्ट बन रही है फिर इलेक्शन कैंपेनिंग हो रहा है कैंडिडेट का नॉमिनेशन है फिर इलेक्शन कैंपेनिंग है फिर पोलिंग है एंड देन काउंटिंग है ठीक है तो ये पूरा प्रोसीजर हमने पढ़ा इसके बाद के बारे में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके टिल देन टेक केयर बाय